दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम मॉसफेट की स्विचिंग कराते हैं बाय यूजिंग गेट ड्राइवर आईसी, हमेशा हम एक रजिस्टर का क्यों यूज करते हैं? हम गेट टर्मिनल पे एक रजिस्टर यूज करते हैं, उसका क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन अब जाए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो जो मेरा गेट ड्राइवर आईसी है ना, ये गेट टर्मिनल पे कनेक्टेड बाय यूजिंग सम ट्रैक वायर लाइक, और हर एक ट्रैक में या फिर कोई भी वायर हो, उसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस वैल्यू होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू देता हूँ तो ये देख सकते हो कि इंडक्टेंस वैल्यू मैंने लिया है, एग्जाम्पल के लिए 1 माइक्रो हेनरी लिया है, और यहाँ पे ये जो है ना, इसके साथ ऑसिलेट करने लगता है, मतलब इसके कैपेसिटर के साथ, इसका जो मॉस्फेट का इनपुट कैपेसिटेंस होता है उसके साथ ये रेजोनेट करने लगता है। ठीक है, अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 7.1 MHz की फ्रीक्वेंसी आएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा, राइट, यहाँ पे देख सकते हो जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 7.1 MHz है। ये बहुत सारे लाइक DSOs वगैरह में कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस ऑसिलेशन में देख सकते हो एक ये पीक ओवर शूट है। अब ये जो पीक ओवर शूट है ये काफ़ी हाई भी हो सकता है, लाइक अगर मेरा जो मॉसफेट है उसका जो मैक्सिमम गेट टर्मिनल है अगर ये 20 वोल्ट है, राइट, अब ये जो मेरा 20 वोल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए था, ये बेसिकली 30 वोल्ट 40 वोल्ट की अगर स्पाइक आती है तो ये जो मेरा मॉसफेट है इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो ये जो ओवरशूट होता है ना, इस ओवरशूट को हमें बेसिकली अगर कम ये करना बिल्कुल होता है। लाइक शार्प इस वे में जाए, मतलब कोई भी ओवरशूट ना है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि हम ये जो गेट टर्मिनल पे एक रजिस्टर यूज करते हैं, राइट, ये हम रजिस्टर यूज करते हैं। तो इस रजिस्टर की वजह से क्या होता है, ये जो ओवरशूट है ना, इस ओवरशूट को हम कम कर सकते हैं। अब ये जो रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये रजिस्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, अगर ये ज़्यादा हो गई तो ये जो मेरा कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर क्रिएट होता है गेट और सोर्स के बीच में, तो ये क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर ये बहुत स्लो चार्ज होगा। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो मेरा जो करंट फ्लो करेगा वो करंट को लिमिट कर देगा, तो मेरा जो कैपेसिटर है ना वो चार्ज लेट होगा, तो जो मेरा स्विचिंग टाइम है ना वो स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगा मॉसफेट का। अगर स्विचिंग टाइम बढ़ गया मतलब मेरा जो कैपेसिटर तुरंत चार्ज नहीं हुआ तो चार्ज होने में टाइम लगेगा, जब स्विचिंग टाइम बढ़ गई तो उसके वजह से क्या होगा कि पावर लॉसेस आपका बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर आप रजिस्टर की वैल्यू अगर हाई लेते हो तो इसमें क्या होगा कि स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगा, पावर लॉसेस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये दोनों दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम लेते हो, अगर आरजी की वैल्यू मिनिमम लेते हो, तो आपको क्या होगा कि ये जो है ना ओवरशूट आपको देखने को मिलेगा। इस ओवरशूट की वजह से क्या हो सकता है कि मेरा मॉसफेट जो है खराब हो सकता है, और इस ओवरशूट की वजह से क्या होगा, ये जो मेरा मॉसफेट है ना ये बहुत जल्दी टर्न ऑन हो सकता है, और इस ओवरशूट की वजह से क्या होता है कि जो मेरा VDS है ना उस पर भी आपको ओवरशूट देखने को मिलता है, राइट। ये आपको ऐसे ओवरशूट अचानक से मिलेगा रिंगिंग करके कि आउटपुट आपको VDS देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो जब गेट टर्मिनल पे ओवरशूट आता है तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारा जो VDS, जो आपको आउटपुट वेबफॉर्म देखने को मिलता है उस पर भी ओवरशूट आता है। तो ये जो रजिस्टर होता है ना बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो मेरा ओवरशूट है वो कम हो सके। अब मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ये जो मेरा लाइक हम रजिस्टर प्लेस करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ड्राइवर सर्किट है ना, ये हम चाहते हैं अगर ये बिल्कुल पास में रहेगा, लाइक ये बिल्कुल पास में रहेगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि वायर जब छोटा हो जाएगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि वायर की जो ये ट्रैक की लेंथ है अगर ये कम हो जाएगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओवरशूट कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें से एडवाइस किया जाता है कि गेट ड्राइवर आईसी जो आप प्लेस कर रहे हो बिल्कुल जो है ना मॉसफेट के पास में हो, और आप रजिस्टर जो यूज करो बिल्कुल भी गेट गेट टर्मिनल के बिल्कुल पास में हो, ताकि आप जो है इंडक्टेंस को ना अवॉइड कर सको और आपका जो ओवरशूट है ना, जो गेट ओवरशूट आ रहा है वो मिनिमाइज हो सके, राइट। तो ये बेसिकली फंडा होता है इस गेट रजिस्टर का हम यूज करते हैं, राइट। अब इसको मैं इसको टेक्निकल टर्म में बात करता हूँ तो इसे हम गेट रिंगिंग कहते हैं, गेट रिंगिंग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो इसको करंट तुरंत मिल जाएगा, और इसकी स्विचिंग बहुत फास्ट होगी, तो उसके वजह से क्या होता है ना, जो DI/DT जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो है ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज क्रिएट होने लगती है, तो उस नॉइज की वजह से क्या होता है हमारे आउटपुट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हम रजिस्टर की वैल्यू एक लाइक हम एक स्टैंडर्ड लाइक 10
ओम टू 100 ओम के बीच में प्रेफर किया जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करने के लिए, वैल्यू चेंज कर करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसलिए हम ना रेजिस्टर की वैल्यू एक प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारा जो स्विचिंग टाइम है वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगी तो पावर लॉसेस बढ़ने लगेगा। अगर हम रेजिस्टर की वैल्यू कम कर देंगे तो ओवरशूट आने लगेगा, उसके वजह से भी लॉसेस बढ़ते हैं और हमारे मॉस्फेट खराब होने के चांसेस रहते हैं, राइट। अगर रेजिस्टर की वैल्यू आप बहुत कम यूज़ करते हो तो रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम ये भी क्या होता है कि बढ़ जाता है। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम आपकी बढ़ जाती है तो आपका जो पावर लॉसेस होता है ना वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पावर लॉसेस इज इक्वल टू यहाँ के जो करंट आता है रिवर्स रिकवरी, जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसकी वजह से भी। ये इन सारी कारणों की वजह से क्या करते हैं कि हम गेट रजिस्टर का यूज करते हैं। अब गेट रजिस्टर का प्रॉपर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका जो रेंज मैंने बताया आपको 10 ओम से 100 ओम के बीच में हम चेंज कर करके देखते हैं, राइट। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे तो गेट रजिस्टर आपने यूज कर दिया, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फेराइट बीट आप ले सकते हो। जो फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट करा था, फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 7 पॉइंट समथिंग हर्ज आई थी, मेगा हर्ज। तो ये जो मेगा हर्ज में फ्रीक्वेंसी आई थी, अब फेराइट बीट का क्या काम होता है कि फेराइट बीट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इजिली पास कर देता है, क्योंकि जो इसकी इम्पीडेंस वैल्यू होती है लो फ्रीक्वेंसी पे वो बहुत कम होती है। इम्पीडेंस जो होती है, इम्पीडेंस लो फ्रीक्वेंसी पे ये बहुत कम होती है, लेकिन अब जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लाइक 7.5, 7.8 मेगाहर्ट्ज़, 9 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि ये जो फेराइट बिट की जो इम्पीडेंस वैल्यू होती है ना, इम्पीडेंस वैल्यू बढ़ने की वजह से इम्पीडेंस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, इम्पीडेंस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। तो इम्पीडेंस वैल्यू बढ़ जाती है मतलब एक खुद ही एक रजिस्टर की तरह काम करने लगता है, और ये जो ओवरशूट यहाँ पे जनरेट होता है इस ओवरशूट को ये कम कर देता है। तो ये जो ओवरशूट ऐसे आता है ना, बेसिकली इस ओवरशूट को नॉर्मलाइज कर देता है, ये ओवरशूट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो फेराइट बिट भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एट गेट टर्मिनल टू अवॉइड द ओवरशूट, राइट। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा रहता है। अगर इस रजिस्टर की मैं बात करता हूँ तो इस रजिस्टर का यूज इसलिए होता है ताकि इसको ना एक, जब हमारा मॉस्फेट यहाँ पे मॉस्फेट की जब हम स्विचिंग कराते हैं, राइट, यहाँ पे जब स्विचिंग कराते हैं मॉस्फेट की, तो क्या होता है कि ये जो मेरा कैपेसिटर्स होते हैं, ये जो कैपेसिटर, अगर यहाँ पे मॉस्फेट मेरा टर्न ऑन हो गया, राइट, टर्न ऑन हो गया, तो यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है, ये बिल्कुल VDS की वैल्यू निगलिजिबल टू जीरो, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा जब ये मॉस्फेट टर्न ऑन होगा, राइट। अब जैसे टर्न ऑफ होगा, मॉस्फेट जब बंद होगा, तो यहाँ का जो वोल्टेज है, मान लो यहाँ पे मैंने 100 वोल्ट पर लगाया था, अब यहाँ का जो वोल्टेज अचानक 100 वोल्ट हो जाएगा, और ये दोनों कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, अब ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए कि एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करेंगे, तो यहाँ का कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब मेरा मॉस्फेट ऑफ था, जब मेरा मॉस्फेट ऑफ कंडीशन में था, मतलब इस कंडीशन में था, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर की वजह से यहाँ का कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा, और ये जो वोल्टेज बनेगा हो सकता है मॉस्फेट को मेरे टर्न ऑन कर सके, फिर से ऑन हो जाएगा मॉस्फेट, तो ये एक तरीके से मल फंक्शनिंग हो जाएगी जो कि हम नहीं चाहते थे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हमारा जो मॉस्फेट तुरंत मतलब ऑन ना हो जाए ऑफ स्टेट में, तो हम क्या करते हैं, ये रजिस्टर लगाते हैं। अब ये रजिस्टर क्या करता है कि ये अगर यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया, तो ये रजिस्टर एक डिस्चार्जिंग पाथ देता है, इसको एक डिस्चार्जिंग पाथ देता है, इसके इस रजिस्टर के थ्रू ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो जाता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब इस रजिस्टर की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ, तो इस रजिस्टर की वैल्यू काफ़ी हाई रखते हैं, लाइक 1K टू 5K टू 10K, इस रेंज में 10K में ही होता है, कहीं कहीं मेगा में यूज़ किया जाता है। अब ये हाई इसलिए रखा जाता है कि ताकि जो करंट इसको चाहिए था मॉस्फेट को टर्न ऑन होने के लिए, ये करंट इधर को ना फ्लो करे, राइट, क्योंकि हमें जो मॉस्फेट की स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू अगर कम रखोगे तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगा, तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जल्दी चार्ज नहीं होगा, तो ये मॉस्फेट हमारा स्विच नहीं करेगा जल्दी, फास्ट स्विचिंग नहीं होगी, अगर फास्ट स्विचिंग नहीं होगी तो पावर लॉसेज ज़्यादा होने लगेंगे, तो इसलिए इस रजिस्टर की वैल्यू हाई रखते हैं और यहाँ से ये डिस्चार्ज हो जाता है। अब इतनी भी हाई नहीं रखते ताकि हमारा डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगा दे, तो उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इन सब के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर रजिस्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ये चीज़ें। तो इन दोनों रजिस्टर का पर्पज मुझे लग रहा है आपको आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा एक ग्राफ दिखाता हूँ, राइट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले ये जो इमेज देख रहे हो गेट नॉइज विदाउट फेराइट बिट, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑसिलेशन है ना ये बहुत तेज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा, जबकि यहाँ पे देख सकते हो गेट नॉइज विथ फेराइट बिट, तो यहाँ पे
आपको ओवरशूट जो है ना ये बहुत कम देखने को मिलेगा, और यहाँ जो ऑसिलेशन है वो कम हो गए, राइट। तो ये जो फेराइट बीट है ना बेसिकली क्या करता है कि ये जो नॉइज वगैरह आती है, नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज आ गई, ये ओवर शूट आ गई हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसको सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसलिए फेराइट बीट हम गेट टर्मिनल पे यूज़ करते हैं, और सेम पर्पज़ हमारा रजिस्टर का होता है, रजिस्टर भी ओवर शूट को सप्रेस करता है, राइट। तो इसलिए हम दोस्तों रजिस्टर का, अगर मैं प्रेफर इसको करते हैं, समराइज करता हूँ कि अगर मैं हाई वैल्यू रजिस्टर लेता हूँ, हाई वैल्यू रजिस्टर और एक लो वैल्यू रजिस्टर लेता हूँ, तो क्या क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है लो वैल्यू रजिस्टर। अगर मैं हाई वैल्यू रजिस्टर लेता हूँ, राइट, तो आपको क्या होगा कि आपकी जो स्विचिंग स्पीड होगी ना, वो स्विचिंग स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लो स्विचिंग स्पीड। दूसरे चीज़ के बारे में बात करता हूँ, तो इसका जो हाई पावर डिसिपेशन होने लगा, क्योंकि स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगी तो पावर डिसिपेशन ज़्यादा होने लगेगा, राइट। स्विचिंग डिसिपेशन, पावर लॉसेस ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब आप रजिस्टर की वैल्यू आप ज़्यादा लेते हो, तो ये सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रजिस्टर की वैल्यू लो लेते हो, तो आपको गेट रिंगिंग, जो गेट ओवर शूट आ रहा है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज ओवर शूट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आउटपुट हमारी BDS बनती है उस पे जो वोल्टेज ओवर शूट होगा वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं गेट रजिस्टर की वैल्यू अगर कम यूज करता हूँ, तो मेरा MOSFET बहुत फास्ट स्विच होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे लाइक इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आप लो वैल्यू रजिस्टर और हाई वैल्यू रजिस्टर की बात करते हो, हमें कब कितनी रजिस्टर यूज करनी चाहिए। ये सारा मैंने एक आपको रेंज बता दिया, 10 to 100 ohm का रजिस्टर हम प्रैक्टिकली उसमें लगा लगा के चेक करते हैं कि मेरा कितना, मतलब हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो उतना आ रहा है कि नहीं, हमारी जो लॉसेस है वो अंडर द लाइक स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हम चेक करते हैं जब भी गेट रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैंने MOSFET पे और सारे वीडियो बना रखे हैं कि गेट ड्राइवर आईसी के हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्यों हमें गेट ड्राइवर आईसी चाहिए होता है MOSFET की स्विचिंग कराने के लिए, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो पूरा जरूर से देखना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।